नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनिमल टेटनस के बारे में बताऊंगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक केस देखा था, काफ के अंदर टेटनस हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो टेटनस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, मेनली दो टाइप के टॉक्सिन रिलीज़ करता है, एक होता है टिटेनोलाइसिन, दूसरा है टिटेनोस्पैज्मिन। जो टिटेनोलाइसिन है वो एनिमल की मसल और उसके लोकल टिश्यू को डैमेज करता है, और जो टिटेनोस्पैज्मिन है वो क्या करेगा, नर्व्स के ऊपर जाके अटैच हो जाता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक कर देता है। उसके कारण से क्या होता है, अगर एनिमल की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो वो रिलैक्स नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में ही रहती है। तो कौन से एनिमल है जो इसके लिए ससेप्टिबल हैं, जो हॉर्स होता है उसके अंदर काफ़ी खतरा होता है टेटनस का, और जो डॉग एंड कैट होते हैं उनको काफ़ी कम खतरा होता है टेटनस से, काफ़ी कम चांसेस है उसको टेटनस होने के। और जो कैटल होती है, जो बफेलो है और जो शीप गोट है, उनके अंदर भी काफ़ी कॉमन है ये टेटनस। ये टेटनस फैलता कैसे है, तो ये मेनली है जो वुंड के थ्रू फैलता है। जो अगर आपके एनिमल को कोई नुकीली चीज़ से कोई घाव हो गया है तो उसमें टेटनस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो घाव गहरा होता है और ये जो बैक्टीरिया है इसको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। एनएरोबिक का मतलब है कि जहाँ हवा और सनलाइट ना हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल जाती है तो बैक्टीरिया काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और टॉक्सिन रिलीज करके उसके अंदर टेटनस प्रोड्यूस कर देता है। और दूसरा इसका रीज़न है कि जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, उसको कट करने के बाद काफ़ी लोग हैं जो उस पर एंटीसेप्टिक नहीं अप्लाई करते, उस एनिमल को मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, मतलब हाइजीनिक कंडीशन नहीं रखते हैं, तो उसके थ्रू भी वो बैक्टीरिया है वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और तीसरा इसका रीज़न ये है कि अगर आपके एनिमल का कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे उसके सींग कटवाने हो या पूंछ कटवानी हो, उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से स्टरलाइज नहीं है, प्रॉपरली उनको साफ़ नहीं किया हुआ, तो उसके थ्रू भी ये टेटनस है वो फैल सकता है। अब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो एनिमल आपका शो करेगा, जो एनिमल है उसकी जो बॉडी की मसल्स हैं, जो हाथ पैर की मसल्स हैं, पेट की मसल्स हैं, वो सारी की सारी टाइट हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी। एनिमल है वो चल नहीं पाएगा, अगर चलेगा तो उसके पैर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होंगी, बेंड नहीं होंगे, जिसको स्टिफ गेट बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जो एनिमल है उसका जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, वो खुलता नहीं है, वो ना तो कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है। और एनिमल की जो कान हैं वो कान भी खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। एनिमल की जो पूंछ है वो भी एकदम सीधी हो जाती है, हैंडपम्प के हैंडल की तरह, उसकी जो पूंछ है वो हैंडपम्प के हैंडल की तरह हो जाती है एनिमल की। उसकी जो आँख होती है उसके अंदर जो तीसरी आईलिड है, थर्ड आईलिड है, वो बाहर आ जाती है। और कई बार एनिमल क्या होता है, वो लेटरल रिकमेंसी में, मतलब वो गिर जाता है, उसमें ब्लॉट आ जाती है। ब्लॉट का कारण क्या है कि जो उसकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो खाना पच नहीं रहा, तो एनिमल के पेट के अंदर गैस भर जाती है जिससे उसका पेट फूल जाता है। एनिमल है वो गोबर नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वो गोबर भी नहीं करेगा। और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जो एनिमल का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होगा, 104 डिग्री 105 डिग्री कैटल के अंदर। उसकी जो आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, कंजस्टेड हो जाती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो एक टेटनस जिस एनिमल के अंदर होता है वो शो करता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने एनिमल को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपरली वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो आपका जो एनिमल है वो टेटनस होने के चांसेस उसमें कम होते हैं। और हॉर्स के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी होती है, अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले टीटी का शॉट दें ताकि जो आपका एनिमल है वो उसके अंदर टेटनस ना हो। उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है एनिमल की, जो बेंजाइल पेनिसिलिन हुआ, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हुआ, वो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करती है। और उसके साथ साथ जो एंटी टेटनस टॉक्सिन्स होते हैं वो भी एनिमल को देने होते हैं, अगर एनिमल का जो घाव हुआ है तो उसको अच्छे से साफ़ करें, उस पर भी एंटी टॉक्सिन अप्लाई करें। तो उसके साथ साथ फ्लूड थेरेपी देनी होती है, और अगर एनिमल गोबर नहीं कर रहा है तो एनिमल का अनीमो करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में ही रिज़ल्ट शो करती हैं, अगर वो एनिमल है वो एडवांस स्टेज में चला गया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।